बड़े समय तक अपनी पार्टी के अंदर कुर्सी की लड़ाई लड़ी और वो अंततः इन दी एंड जीते। मैं कांग्रेस का प्रधान बनूंगा तो 75-25 की पार्टनरशिप खत्म कर दूंगा। मैं कांग्रेस का प्रधान बनूंगा तो बड़े बड़े मगरमच्छ, मछलियां नहीं, छोटी मछलियां नहीं, बड़े बड़े मगरमच्छ जो ड्रग्स का व्यापार करते हैं पंजाब में, उन्हें जेल भेजूंगा। तो अब ये सारे वादे पूरे होने चाहिए, नहीं तो लोग पूछेंगे कि वो 75-25 की पार्टनरशिप में कोई तीसरा पार्टनर तो नहीं आ गया, चाहे मुख्यमंत्री कोई और बन गया। वादे तो सिद्धू साहब ने किए थे, मैनिफेस्टो तो सिद्धू साहब ने पढ़ा था, बनाया था। तो सिद्धू साहब, अब आप ये मैनिफेस्टो लागू करो, एक एक प्रॉमिस पूरा करो। 129 पेज के मैनिफेस्टो के वादे पूरे करने की जिम्मेदारी अब सिद्धू साहब आपकी है। वड्डी खबर कांग्रेस पार्टी नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी नूं वड्डा झटका लग्या। दरअसल कांग्रेस दे साबका प्रधान प्रदीप छाबड़ा अज आम आदमी पार्टी च शामिल हो गए ने। प्रदीप छाबड़ा ने दिल्ली विखे पार्टी दे कन्वीनर अरविंद केजरीवाल दी मौजूदगी च आम आदमी पार्टी दा झाड़ू फड़िया, जिस तों बाद आम आदमी पार्टी वल्लों प्रैस कॉन्फ्रेंस कीती गई। इस मौके आम आदमी पार्टी दे सीनियर लीडर राघव चड्ढा ने नवजोत सिद्धू ते निशाने साधे अते कहा कि उन सरकार सिद्धू दे हाथ है, वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए राजनीति बंद करे। आम आदमी पार्टी पंजाब की ओर से, सभी साथियों की ओर से, सबसे पहले तो सरदार नवजोत सिंह सिद्धू साहब को एक लंबी सत्ता की लड़ाई, कुर्सी की लड़ाई, सत्ता के लिए संघर्ष में जीत हासिल करने के लिए, विजय की प्राप्ति करने के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़े समय तक अपनी पार्टी के अंदर कुर्सी की लड़ाई लड़ी और वो अंततः इन दी एंड जीते और उन्हें कांग्रेस पार्टी की चेयरमैनी प्रधानगी उन्हें मिली। मैं इस मौके पे सिद्धू साहब को एक चिट्ठी के माध्यम से एक पत्र लिख रहा हूँ, एक लेटर लिख रहा हूँ और इस लेटर में उन्हें याद करा रहा हूँ कि सिद्धू साहब 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने ये 129 पेज का मैनिफेस्टो जारी किया था, 129 पेजेस लॉन्ग मैनिफेस्टो वॉज रिलीज्ड बाय द कांग्रेस पार्टी। और इस मैनिफेस्टो में जितने भी वादे किए गए थे, प्रोमिसेस किए गए थे, ये सारे प्रोमिसेस पंजाब के घर घर तक, पंजाब के एक एक परिवार तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी कांग्रेस ने अपने सबसे बढ़िया भुलारा, बढ़िया स्पीकर, फायरी स्टार कैंपेनर नवजोत सिंह सिद्धू को दी कि नवजोत सिंह सिद्धू साहब, आप कांग्रेस हाई कमांड के, कांग्रेस पार्टी के ये सारे मैनिफेस्टो के प्रोमिसेस को घर घर पहुंचाओगे। सिद्धू साहब ने बखूबी अपना काम निभाया, घर घर ये सारे वादे पहुंचाए। लेकिन बीते 4.5 साल में इन प्रॉमिसेस में से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, एक भी वादा इस 129 पेज मैनिफेस्टो में पूरा नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने। 4.5 साल तो बीत गए जिसमें सिद्धू साहब कांग्रेस पार्टी के लीडर आगू भी रहे, 2-1 साल सरकार में मंत्री पद का वजीरी भी उन्होंने निभाई और अब एक लंबी लड़ाई के बाद उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया, कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंसी, प्रधानगी उन्हें मिल गई। मैं आज आम आदमी पार्टी की ओर से सिद्धू साहब को कहना चाहता हूं कि सिद्धू साहब, अब आप
कांग्रेस पार्टी के प्रधान हैं, हाई कमांड का साथ आपको है, आशीर्वाद आपको है। कांग्रेस पार्टी के एक एक एमएलए का समर्थन आपको है, कांग्रेस के वर्करों का विश्वास आपके साथ है। अब सरकार भी आप हो और कांग्रेस पार्टी भी आप हो, रूलिंग पार्टी भी आप हो, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी आप हो, अब ये सारे के सारे मैनिफेस्टो के वादे, 129 पेज के मैनिफेस्टो के वादे पूरे करने की जिम्मेदारी अब सिद्धू साहब आपकी है। आपको अब ऑपोजिशन के आगू की तरह बात करनी छोड़ देनी चाहिए। यू आर नो मोर इन द ऑपोजिशन, अब आप ऑपोजिशन में नहीं है। यू आर द पार्टी इन पावर, यू आर द गवर्नमेंट, आप ही सत्ताधारी पार्टी हैं और आप ही पंजाब सरकार हैं। ये सारे वादे पूरा करने की जिम्मेदारी अगर अब किसी के कंधों पर है तो वो सरदार नवजोत सिंह सिद्धू साहब के कंधों पर है। अब आप ही बैट्समैन हैं, आप ही बॉलर हैं और बैटिंग की पिच भी आप ही की है, हाई कमांड भी आपके साथ है, कांग्रेस लेजिस्लेचर ग्रुप सारे एमएलए विधायक दल आपके साथ है, उनका समर्थन आपको है और अब कांग्रेस का वर्कर आपके साथ खड़ा है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस नवजोत सिंह सिद्धू साहब इज द रूलिंग पार्टी ऑफ पंजाब एंड इज ऑल्सो द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। सरकार भी आप ही हैं और रूलिंग पार्टी भी आप हैं। इसीलिए आज हम सिद्धू साहब को इस चिट्ठी के माध्यम से उनकी जिम्मेदारी याद दिलाना चाहते हैं कि सिद्धू साहब आप कहीं भूल गए होंगे कि आप ही ने ये प्रॉमिस किए थे, आप ही ने ये वादे किए थे, घर घर जाकर ये मैनिफेस्टो लोगों को बांटा था, रैलियां कर बड़े बड़े इकट्ठ किए थे, बड़ी बड़ी रैलियां की थी जिनमें पंजाब का युवा आया, पंजाब का यूथ आया, कोने कोने से लोग आपको सुनने आए और आपने वादा किया कि कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को सरकार बनवाओ तो ये सारे वादे पूरे होंगे। अब आप पार्टी के प्रधान हैं, अब आप कोई वजीर नहीं हैं, अब आप पार्टी के प्रधान हैं, अब आप कोई छोटे मोटे एमएलए नहीं हैं, विधायक दल का समर्थन आपके पास, हाई कमांड का आशीर्वाद आपके साथ, अब आप इस समय पंजाब में सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली आगू हैं, नेता हैं, लीडर हैं और अब ये सारे प्रॉमिसेस पूरे करने की जिम्मेदारी सिद्धू साहब अब आपके कंधों पर है। जब से आप पार्टी के प्रधान बने कांग्रेस पार्टी के, तब से पंजाब कांग्रेस ने अपनी वेबसाइट से 2017 के इलेक्शंस का, 2017 के इलेक्शंस का मैनिफेस्टो डिलीट कर दिया, गायब कर दिया। हो सकता है सिद्धू साहब के पास भी अब इस मैनिफेस्टो की कॉपी ना हो, इसलिए इस चिट्ठी के साथ मैं ये मैनिफेस्टो की कॉपी भी सिद्धू साहब को भेज रहा हूं कि आप ये मैनिफेस्टो पढ़िए। अगर आप ये कॉपी खो गई है, आपके पास अब बची नहीं है, वेबसाइट से आपकी पार्टी ने डिलीट कर दी है, तो ये मैनिफेस्टो की कॉपी मैं आपको भिजवा रहा हूं, ये पत्र मैं आपको लिखकर सौंप रहा हूं, आप ये सारे वादों को पूरा करिए। आपने इस कुर्सी की लड़ाई में, इस पावर स्ट्रगल में, इस सत्ता के संघर्ष में कई बार पंजाब के मुद्दों की बात करी। आपने कहा मैं कांग्रेस का प्रधान बनूंगा तो 75-25 की पार्टनरशिप खत्म कर दूंगा, मैं कांग्रेस का प्रधान बनूंगा तो पंजाब से नशे की प्रॉब्लम को खत्म कर दूंगा, मैं कांग्रेस का प्रधान बनूंगा तो बड़े बड़े मगरमच्छ, मछलियां नहीं, छोटी मछलियां नहीं, बड़े बड़े मगरमच्छ जो ड्रग्स का व्यापार करते हैं पंजाब में उन्हें जेल भेजूंगा, मैं कांग्रेस का प्रधान बनूंगा तो मैं पावर परचेज अग्रीमेंट खारिज करूंगा, मैं कांग्रेस का प्रधान बनूंगा तो मैं रेता बजरी माफिया खत्म करूंगा,
मैं कांग्रेस का प्रधान बनूंगा तो मैं बेअदबी का इंसाफ लाऊंगा। ये सारे वादे आपने करे, अब कांग्रेस के प्रधान भी आप सिद्धू साहब, हाई कमांड का आशीर्वाद भी आपके साथ सिद्धू साहब, सारे एमएलए का समर्थन सपोर्ट आपको मिला है सिद्धू साहब, तो अब ये सारे वादे पूरे होने चाहिए, नहीं तो लोग पूछेंगे कि वो 75-25 की पार्टनरशिप में कोई तीसरा पार्टनर तो नहीं आ गया। अब ये सारे सवाल पंजाब की जनता आपसे पूछ रही है, और अगर अब ये 129 पेज के मैनिफेस्टो का एक एक वादा सिद्धू साहब आपने आने वाले 6 महीने में पूरा नहीं किया, तो पंजाब के लोग यही समझेंगे कि सरदार नवजोत सिंह सिद्धू की लड़ाई कांग्रेस की कुर्सी की लड़ाई थी, प्रधानगी की लड़ाई थी। इट वॉज अ फाइट फॉर पावर, नॉट अ फाइट फॉर प्रोग्रेस ऑफ पंजाब। पंजाब की खुशहाली की लड़ाई नहीं थी आपकी, कांग्रेस की सत्ता पाने की लड़ाई थी आपकी। और मैं एक हिदायत सिद्धू साहब को देना चाहूंगा, ये कहना चाहूंगा कि सिद्धू साहब आप अब विरोधी दल के आगू नहीं है, ऑपोजिशन नहीं है, आप ऑपोजिशन लीडर की तरह बात करना बंद करिए। अब आप रूलिंग पार्टी हैं, आप सरकार हैं। मैं सुन रहा हूं आजकल वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम बिजली को 3 रुपए यूनिट के हिसाब से पंजाब में दिया करेंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी मतलब आज कौन सी पार्टी की सरकार है? आज क्या डीएम के सरकार चला रही है या आरजेडी की सरकार चल रही है पंजाब सूबे में? आज भी तो कांग्रेस की सरकार है सिद्धू साहब, आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है। तो विरोधी नेता की तरह बात करना बंद करिए। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, लोग आपसे जवाब मांग रहे हैं। आपने कहा था प्रधान बना दो, मैं ये सारी चीजें कर दूंगा। अब आप प्रधान बन गए हैं, अब ये सारी चीजें, ये सारे वादे पूरे करने की जिम्मेदारी नवजोत सिंह सिद्धू जी के कंधों पर है। आपके पास 6 महीने का समय है, 6 महीने बाद इलेक्शन है, 6 महीने के भीतर, 6 महीने के अंदर अंदर ये सारे प्रोमिसेस को आप सिद्धू साहब पूरा करें, नहीं तो पंजाब के लोग ये समझ जाएंगे कि आपकी लड़ाई कुर्सी की लड़ाई थी, प्रधानगी की लड़ाई थी, सत्ता की लड़ाई थी, पंजाब की खुशहाली की लड़ाई नहीं थी। तो ये लेटर आज मैंने कांग्रेस पार्टी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू जी को लिखा है, मैनिफेस्टो की कॉपी उसके साथ मैं जारी कर रहा हूं। इन सब की एक एक प्रतिलिपि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप सबको भी मुहैया करा दी जाएगी। आप में से किसी का कोई सवाल तो आप पूछ सकते हैं। ये मिसलीडिंग खबरें मीडिया में प्लांट करके एक नेता अपना वजन बढ़ाने की कोशिश करे तो उसमें हम क्या करें? मिसलीडिंग खबरें प्लांट करते रहे अखबारों में, आप समझते हैं मुझसे बेहतर खबरें कैसे प्लांट होती। 2022 मुकाबला नवजोत सिद्धू नाल देख रहे हो या कैप्टन अमरिंदर नाल देख रहे हो? 2022 का चुनाव तो अभी दूर है, 6 महीने बाद है। आज तो हम ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस का कौन नेता है पंजाब में? पर जे तुसी चिट्ठी नवजोत सिद्धू नु लिख रहे हो, तुसी कांग्रेस पार्टी का प्रधान, वो कांग्रेस पार्टी का प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू, हाई कमांड का आशीर्वाद नवजोत सिंह सिद्धू के साथ। मुख्यमंत्री कौन बनाता है? मुख्यमंत्री लेजिस्लेचर ग्रुप बनाता है, एमएलए विधायक दल बनाता है, विधायक दल अपना नेता चुनता है, वो मुख्यमंत्री बनता है। विधायक दल ने अपना नेता चुन लिया सिद्धू साहब को, सारे विधायक उनके साथ घूम रहे, बस सारे उनके साथ ही चल रहे हैं। सिद्धू साहब अब पंजाब में किसी से भी पूछ लो, कांग्रेस पार्टी का मतलब नवजोत सिंह सिद्धू, पार्टी का चेहरा भी वही,
सरकार भी वही, रूलिंग पार्टी भी वही, गवर्नमेंट भी वही, इसलिए सारे वादे उन्हीं ने पूरे करने। और मैं एक और चीज आपको याद करा दूं, 2017 के चुनाव में स्टार कैंपेनर के तौर पर कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू साहब को कहा था कि आपकी जिम्मेदारी है ये सारे वादों को घर घर पहुंचाना। ये सारे वादे तो सिद्धू साहब करके आए थे, चाहे मुख्यमंत्री कोई और बन गया, वादे तो सिद्धू साहब ने किए थे, मैनिफेस्टो तो सिद्धू साहब ने पढ़ा था, बनाया था। तो सिद्धू साहब अब आप ये मैनिफेस्टो लागू करो, एक एक प्रॉमिस पूरा करो। देखिए ये पिछले 15 साल से, फॉर द लास्ट 15 ईयर्स, नवजोत सिंह सिद्धू साहब पंजाब में पावर में रहे हैं। जब बीजेपी में थे तो बीजेपी ने सरकार चलाई 10 साल, तो 10 साल सिद्धू साहब पंजाब में सत्ता में थे। फिर कांग्रेस की सरकार बनी 17 में, तो सिद्धू साहब 5 साल और सत्ता में, तो 15 साल से तो सिद्धू साहब सरकार में हैं। और बीते कुछ समय से वो लगातार कहते आए, मुझे प्रधान बनाओ तो मैं 75-25 पार्टनरशिप खत्म करूंगा, मुझे प्रधान बनाओ तो मैं रेता बजरे की माइनिंग के लोगों को जेल में डालूंगा, रेता बजरी को माइनिंग उसकी बंद करूंगा, मुझे प्रधान बनाओ मैं नशा बंद करूंगा, मुझे प्रधान बनाओ मैं बड़े बड़े नशे के सौदागरों को, बड़े मगरमच्छ को गर्दन से पकड़ के जेल में भेजूंगा। तो अब प्रधान बन गए। अब लोग पूछ रहे हैं कहाँ है वो 75-25, बंद हो गया 75-25 क्या? अब ये तो पंजाब के लोग तय करेंगे कि सिद्धू साहब, मैं चाहूंगा, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। आज यहां जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं फ्रॉम द मीडिया, मैं उन्हें दरख्वास्त करूंगा कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीधा पंजाब भवन जाएं, जहां शायद सिद्धू साहब की मीटिंग चल रही है, कांग्रेस भवन में चल रही है। इसी समय कांग्रेस भवन सेक्टर 15 में आप जाएं और सिद्धू साहब से पूछें कि भाई ये चिट्ठी आपको मिल गई, ये मैनिफेस्टो की कॉपी आपको मिल गई, अब कौन सी तारीख तक, 6 महीने पड़े, अगले 6 महीने में कौन सी तारीख तक सिद्धू साहब ये सारे प्रोमिसेस को पूरा कर देंगे, डिलीवर कर देंगे। अब तो बैट्समैन भी वही हैं, बॉलर भी वही हैं और पिच भी वही है, हर हैंड डिलीवर भी, कोरियर भी और ईमेल भी। मैनू ना लेके जाए यार, एक नहीं ओनू पूछने दो, ओनू पूछने दो। लोकपाल वो तो पहुंच गया, मेरे पास उसकी रिसीविंग है, मैं तुहानू रिसीविंग दे देंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, मैं तुहानू रिसीविंग दिखा देंगा, मैं होने दिखा रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। ये सारे मुद्दे तो इसमें लिखे हुए हैं, एक एक पन्ने पे वादे लिखे हुए हैं इन लोगों ने क्या क्या करेंगे। ये सारे प्रोमिसेस पूरे होने चाहिए, मैं तो ये बात कह रहा हूं। और अगर ये वादे, ये प्रोमिसेस सिद्धू साहब पूरा करते हैं तो मैं उन्हें बधाई दूंगा। मेरे सूबे के, हमारे पंजाब सूबे के प्रोमिसेस हैं, अगर पंजाब का भला होता है, पंजाब की खुशहाली होती है, पंजाब के लोगों को ये सारे वादे किए गए मिलते हैं, डिलीवर होते हैं, तो हमसे ज्यादा खुश कौन होगा। मैं उन्हें बधाई दूंगा, लेकिन 5 साल में से 4.5 साल सिद्धू साहब ने बर्बाद कर दिए। अब 6 महीने बचे हैं, पार्टी भी वही, सरकार भी वही, प्रधान भी वही, हाई कमांड भी वही पंजाब में। अब सारे प्रॉमिस लागू करें, 6 महीने का समय है और सिद्धू साहब का समय शुरू होता है अब। ना जी ना, थैंक यू जी। नाराजगी क्यों, नाराजगी नहीं, नाराजगी मेरी 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 किसी मेरी किसी से नाराजगी नहीं, रोहित दे नाल भी नहीं,
ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਵਿਆਜੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, देखिए बड़ा सिंपल है, सवाल किससे होते हैं? सरकार से। किससे सवाल करोगे? सरकार से। आपको जवाब मिल गया, कौन सरकार है? सिद्धू साहब सरकार है, सिद्धू साहब प्रधान। जब हम सरकार में होंगे तो आप हमसे सवाल करोगे? सरकार तो सवाल से होते हैं ना, मीडिया भी सरकार से सवाल पूछता, तब सरकार कोई और थी, अब सरकार कोई और है, अब सवाल सिद्धू साहब से होंगे, मैनिफेस्टो उन्हीं को दिखाया जाए। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, D5 चैनल पंजाबी। D5 चैनल पंजाबी, उन्हें सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। ज्ञानी साहब सिंह जी शाहबाद मारकंडा वाले नाल करो सीधी गलबात, ते जानो गुरबाणी दे अर्थ। रोजाना पाठ करन वाले ये प्रोग्राम जरूर देखण, ते गुरु साहब दियां असीसां दे पात्र बनन। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम गुरबाणी ज्ञान, ऐतवार सवेरे 7 तों 8 बजे तक D5 चैनल पंजाबी ते।